नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर। क्वेश्चन यह है कि हमें नोटिस लिखना है साइंस एग्जीबिशन पर। आपके एग्जाम में कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं, एमपी बोर्ड या आदर्श बोर्ड जो भी है, तो वहाँ पर जो है साइंस एग्जीबिशन का यदि आपको नोटिस पूछा जाता है जो कि 4 या 5 नंबर का रहता है, तो आप कैसे केवल और केवल 4 और 5 लाइन में और बहुत ही सरल लैंग्वेज में जो है उसका आंसर दे सकते हो। देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको नोटिस बनाना होगा। नोटिस बनाने के लिए जो है सबसे पहले आपको तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन को समझना होगा। सबसे पहले इसमें तो आपको ये देखना होगा कि चारों तरफ इसमें जो है आपको इस प्रकार का जो है बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। यह बॉक्स आपको इस प्रकार से तीनों तरफ से पहले बना लेना है, और फिर उसके बाद में जैसे ही आपका लिखकर एंड होता है तो उसके बाद में लास्ट पर आप जो है एक लाइन इस प्रकार से ऐसा खींच देवे, जो कि आपका बॉक्स आपका तैयार हो जाता है बनके। तो चलिए, लिखना कैसे है। जैसे कि जो है सबसे पहले आपको संस्था का नाम डालना पड़ेगा जिस संस्था के द्वारा जो है नोटिस लिखा जा रहा है, जिस संस्था के ओर से। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा जो है, इसकी ओर से जो है एक नोटिस लिखा जा रहा है। संस्था का नाम दिया है आपको, कोई दूसरा स्कूल या कोई दूसरी संस्था का नाम दिया जा सकता है, उसे यहाँ पर आपको लिख देना है सिंपली। उसके बाद में जो है आपको कैपिटल लेटर में नोटिस लिख देना है एक लाइन छोड़ करके, और एक लाइन छोड़ करके जो है आप जिस टॉपिक पर जो है नोटिस लिखना चाहते हैं, नोटिस तैयार करना चाहते हैं, उस विषय को बढ़िया हेडिंग के रूप में यहाँ पे आप जो है उतार लें या लिख लें। इस प्रकार से कुछ आपको लिख लेना है। चाहे तो इसे भी आप पूरा कैपिटल अक्षर पे लिख सकते हैं, है ना, या पूरा स्मॉल भी रख सकते हैं। उसके बाद में जो है आपको डेट डाल देना है सिंपल। जब भी नोटिस लिखते हैं तो जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं तो उस दिन की डेट ज़रूर डाल देवे। उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जो संस्था है उसके द्वारा इस दिनांक को, इस टाइम पर जो है ये कार्यक्रम किया जा रहा है, और जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट या टीचर या जो भी कैंडिडेट है वो इसमें भाग ले सकते हैं। बस इतना ही जो है आपको यहाँ पर हेडिंग्स इतना डालना है, और उसके बाद में जो है जो नोटिस तैयार जिसने किया है उसका नाम और जो है उसका पदभार यहाँ पर डाल देना है। जैसे क्लास टीचर के द्वारा ये नोटिस लिखी गई है ना, आपको बताया गया है कि आप क्लास टीचर हो, तो यहाँ पर क्लास टीचर और जो है आप अपना नाम या तो जो नाम आपको नोटिस में दिया होगा वो आपको डाल देना है। तो चलिए, इसे याद कैसे करना है, लिखना कैसे है। बीच का जो मटेरियल है इसमें ही जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर मिलते हैं, और 1 नंबर ये ऊपर वाला पोर्शन में और 1 नंबर नीचे वाले पोर्शन में, और कहीं ना कहीं ये बॉक्स बनाने में भी जो है आपका नंबर बटा हुआ रहता है। तो आपको पूरी तैयारी से जो है इसे करना होगा। तो आपको बॉडी में लिखना है कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स डेट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज्ड आर साइंस एग्जीबिशन ऑन 28 नवंबर 2020, है ना। इसमें जैसे कि आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर जैसे जब आप डेट लिखते हैं तो डेट में आपको सबसे पहले डे का नाम लिख देना है, जैसे 22 आपको या 1, 2, 3 जो भी है। उसके बाद आपको मंथ का नाम इंग्लिश पर लिखना है, है ना, और उसके बाद में जो है ईयर आप लिख देवे। तो इसी प्रकार का फॉर्मेट से आपको डेट लिखना है, चाहे वो ऊपर लिखे या नीचे कहीं पर नीचे बॉडी में आपको लिखना पड़ सकता है, तो उसी प्रकार से आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म, यह है आपको सूचित किया जाता है। किसे सूचित किया जाता है भैया? ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे स्कूल में, तो स्कूल के जो है ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को, सभी विद्यार्थियों को दिस इज़ टू इन्फॉर्म, यह सूचित किया जाता है, यह बताया जाता है कि डेट लगाया हमने, इसका मतलब कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ठीक है, आ साइंस एग्जीबिशन, ठीक है, ये एन नहीं है, सिर्फ आ है, एन यहाँ पर गलत है ना, तो यहाँ पर केवल और केवल ए लिखना है आपको। तो आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, जो आवर स्कूल है, जो हमारा स्कूल है, इज गोइंग टू, वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, है ना, जो है एक कार्यक्रम को आयोजित करने जा रहा है जिसका नाम है साइंस एग्जीबिशन, ठीक है, साइंस एग्जीबिशन पर, तो साइंस पर, विज्ञान पर यहाँ पे चर्चाएं की जाएगी इस कार्यक्रम में, इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑन जो है 28 नवंबर एंड 2020, जैसे 22 नवंबर 2020 को आप लिख रहे हैं तो 4-5 दिन या 7-8 दिन बाद की डेट यहाँ पर आपको डालना है, जो हमने डाला है 28 नवंबर 2020, क्योंकि जो आप ऑर्गेनाइज करोगे कोई भी कार्यक्रम को तो आप कहीं ना कहीं 4-5 दिन या जो है 8-9 दिन के बाद ही आप जो है आयोजित करोगे, और 8-9 दिन पहले जो है उसकी नोटिस जो है निकालोगे। तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर एक लाइन लिख देना है, और एक लाइन में सिंपली लिख देना है कि इंटरेस्टेड, जो ऐसे बच्चे जो इंटरेस्टेड है, इसमें इंटरेस्ट है, इसमें भाग लेने का साइंस एग्जीबिशन में, कैन गिव देयर नेम टू
योर क्लास टीचर, जो आपके क्लास टीचर है, ठीक है, योर क्लास टीचर मतलब जो आपके क्लास टीचर है उनको आपको जो है गिफ्ट कर देना है, दे देना है, या दे सकते हैं, आप कैन गिफ्ट कर सकते हैं देयर नेम्स, आपके नेम, कौन इंटरेस्टेड स्टूडेंट, जो इंटरेस्टेड है वो स्टूडेंट जो भाग लेने में इंटरेस्टेड है, तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन गिफ्ट, दे सकते हैं देयर नेम टू योर क्लास टीचर्स। तो आपको केवल और केवल जो है तीन लाइन का इसको बना लेना है, बाकी है तो दो ही लाइन का। इसमें सबसे पहले याद करने के लिए कहना है कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको कहना है कि आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज्ड अ साइंस एग्जीबिशन, और उसके बाद में सिंपली डेट लिख देना है, ठीक है। आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ साइंस एग्जीबिशन, या जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका नाम यहाँ पर आप सिंपली डाल सकते हैं। और जो है और भी दूसरा फंक्शन आपके स्कूल में हो रहा है तो वो उसका नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन गिव देयर नेम टू योर क्लास टीचर, सिंपल इतना लिख देना है। और इसी प्रकार से जो है आपको नोटिस डिज़ाइन करना है, और चाहे तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा में दो तीन बातें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके नोटिस में जो दी हुई होती है जिस विषय पर आपको लिखना है, वो एक दो लाइन और जोड़ सकते हैं यहाँ पर, और लिख सकते हैं इस सेकंड वाली लाइन के बाद में। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि नोटिस को किस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है, और किस प्रकार जो है लिखा जाता है, और किस सेशन में जो है कितने भाग होते हैं नोटिस में, और कहाँ कितने नंबर आपको दिए जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए क्वेश्चन आंसर के साथ में, जो कि होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब तक के लिए गुड बाय।